हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर्स शिप अकाउंटिंग के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। ये इलस्ट्रेशन आपके उस सिचुएशन के हैं जब आपके पास सफिशियंट प्रॉफिट नहीं होंगे, तो उस सिचुएशन में हम किस प्रकार से इंटरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये देखने का काम करेंगे। क्योंकि बच्चों इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्चुअली पोर्शन थे वो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो वैसे बच्चों जो हमारी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से नम्र निवेदन है कि वो हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें और साथ ही साथ पार्टनरशिप फंडामेंटल से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं उनको भी वो देखने का काम करें। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद बच्चों इस वीडियो को देखने का काम कीजिएगा। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 को। कहता है क्या है ये मैं पढ़ने जा रहा हूं। कहता है छवि एंड निधि आर पार्टनर इन ए फर्म। छवि और निधि दो पार्टनर है एक फर्म में। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो अपने प्रॉफिट को किस रूप में बांट रहा है? 3:2 के रेशियो में बांट रहा है। देयर कैपिटल एज एट 1 अप्रैल 2017 वॉज ₹2,10,000 एंड ₹1,50,000। कहता है कि उनका जो कैपिटल है 1 अप्रैल 2017 को, एक का है ₹2,10,000 और दूसरे का है ₹1,50,000। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी पार्टनरशिप डिड ने क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाएगा। कितना परसेंट लगाया जाएगा? 10% पर एनम लगाया जाएगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इज ₹30,000। तो कहता है कि जो प्रॉफिट है फर्म के द्वारा अर्न किया गया 31 मार्च 2018 को, ये है ₹30,000। कहता है सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को आप किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करते हो। मेरे को बताइएगा बच्चों यहाँ पर मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों यहाँ पर पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड कर रहा है लेकिन ये नहीं बोला गया है कि ये चार्ज है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में साफ कर देता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानिए तब हम कौन सा अकाउंट बनाते? तब हम बनाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला गया है इसलिए हम यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाएंगे? यहाँ पर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बच्चों बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट बच्चों कितना दे रखा है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपका दे रखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दे रखा है? नेट प्रॉफिट आपका 30,000 का। ये क्रेडिट का पोर्शन है, ये डेबिट का पोर्शन है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं बच्चों? नहीं, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा नेट प्रॉफिट है, ये हमारा क्या है? नेट प्रॉफिट है। कितने रुपए का मेरा नेट प्रॉफिट है? 30,000 रुपए का। मेरा नेट प्रॉफिट कितने रुपए का है? 30,000 का। और इस नेट प्रॉफिट के अंतर्गत हम क्या करेंगे? इस नेट प्रॉफिट के अंतर्गत हम इंटरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या देखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
कैपिटल लगाने का काम करेंगे, और जो भी बैलेंस आएगा प्रॉफिट, जो भी उसके बाद बैलेंस प्रॉफिट आपके आएंगे, उस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 के रेशियो में। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं बच्चों? यही तो हम काम करेंगे कि जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आएगा उस नेट प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट और कैपिटल चार्ज कर देंगे, और जो भी बचेगा प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, पार्टनर में बांट देंगे। कौन से रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। जरा ध्यान देने वाली बात देखिएगा, पार्टनर्स ने कैपिटल कितना लगा रखा है? पार्टनर ने कैपिटल लगा रखा है 2,10,000। यानी अगर छवि की कैपिटल को देखा जाए तो इनका कैपिटल है 2,10,000, और अगर निधि के कैपिटल को देखा जाए तो इनका कैपिटल है 1,05,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जा रहा है कितना चार्ज करने के लिए, 10% पर एनम। तो मेरे को बता सकते हो कि छवि का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा और निधि का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? हाँ बच्चों, आराम से, चूंकि 10% है तो 21 2,10,000 का 10% छवि का कितना हो जाएगा, 21,000, और दूसरा निधि का कितना हो जाएगा, 1,50,000 का 10% कितना, 15,000। कोई कंफ्यूजन तो है नहीं? यानी अगर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा जाए तो कितने हो गए, 36,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने हो गए, 36,000। मेरे पास प्रॉफिट है बात में कितना, 30,000। एक चीज मेरे को बताइएगा, क्या यहाँ पर आपके प्रॉफिट सफिशियंट है या इनसफिशियंट? सर यहाँ पर प्रॉफिट इनसफिशियंट है। अगर प्रॉफिट इनसफिशियंट है तो मैंने क्या बताया था, किस रेशियो में बांटने के लिए, मैंने कहा था कि वहां तक आप इन्वेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो जहां तक आपका प्रॉफिट है, उससे ज्यादा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं कर सकते हो। याद है पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मैंने कहा था कि प्रॉफिट अगर आपका इनसफिशियंट है, क्यों, क्योंकि मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना है, 36,000, और है मेरे पास प्रॉफिट मात्र कितना, 30,000। क्या मैं 36,000 डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? सिंपल में बैंक, अगर मान लेते हैं कि हम गुल्लक में पैसा 30,000 जमा किए और चाहेंगे कि उससे 36,000 निकल लेने के लिए, क्या पॉसिबल है 36,000 निकलना? नहीं। तो जो गुल्लक में प्रॉफिट है 30,000 का, वहां तक नहीं हम अपने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उससे ज्यादा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकते हैं। हाँ सर जी, तो मैं मैक्सिमम अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा तो इसी पोर्शन को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रॉफिट तक ही आप दे सकते हो, प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते हो, जब आपका प्रॉफिट इनसफिशियंट होगा तब। क्लियर है? तो यहां पर अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा तो मैं मात्र कितना रुपए दूंगा, 30,000। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मेरा कितना है, 30,000। अब कहिएगा कि सर जब प्रॉफिट ही 30,000 है तो क्या इस रेशियो का कोई मतलब? कोई मतलब नहीं, इस रेशियो का कोई मतलब नहीं रहा। क्लियर है? तो अब यहां पर बात आती है कि सर ये 30,000 अगर मैं दूंगा तो छवि को कितना दूंगा और निधि को कितना दूंगा? अगर बच्चों आप लोग कहिएगा कि सर दोनों में आधा आधा बांट दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 15,000 छवि को दे दूं और 15,000 निधि को दे दूं तो निधि तो खुश हो जाएगी, क्योंकि 15,000 मिलना चाहिए था, 15,000 मिल चुका, छवि क्या हो जाएगी, गुस्से में आ जाएगी, मिलना चाहिए था 21,000, मिलेगा 15,000। क्या इस प्रकार से बांटा जाना पॉसिबल है? नहीं सर जी। क्या करना होगा, क्या अगर जो कमी आया है क्या वो कमी सिर्फ एक पार्टनर सहेगा कि सभी पार्टनर सहेंगे? सर दोनों पार्टनर सहेंगे। अगर दोनों पार्टनर सहेंगे तो किस रेशियो में सहेंगे,
तो सर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उसी रेशियो में, क्योंकि जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर बेस बनता है तो नुकसान अगर दोनों को होगा तो दोनों को नुकसान इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से होना चाहिए। तो जब दोनों को नुकसान इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से होना चाहिए तो जाहिर सी बात है दोनों अपना नुकसान किस रूप में बियर करेंगे, दोनों अपना नुकसान बियर करेंगे अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। यानी यहां रेशियो बन जाएगा 21:15, 3 जीरो कट जाएंगे, 3 जीरो कट जाएंगे, 21:15। अगर काटना चाहोगे तो 7:5। तो जो भी आपके 30,000 आएंगे, इस 30,000 को अब किस रेशियो में बांट दिया जाएगा? 7:5 के रेशियो में। किस रेशियो में बांट जाएगा? 7:5 के रेशियो में। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएंगे किसका? छवि का। और किसका? निधि का। वो किस रेशियो में आ जाएंगे? 30,000 × 7/7/12 और 5/12। तो 7/12 और 30,000 × 5/12 कितने हो जाएंगे बच्चों? कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। 30,000 × 7/12 यानी एक के हो जाएंगे 17,500, छवि के हो जाएंगे 17,500 और निधि के 30,000 × 5/12 निधि के हो जाएंगे 12,500 और उसके बाद हो जाएंगे ये 30,000। और यहां पर आपके क्या बन जाएंगे? 30,000 30,000 दोनों इक्वल। ये बातें समझ में आया बच्चों? ये उस सिचुएशन में था जब आपके पास प्रॉफिट आपके सफिशियंट नहीं थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करने के लिए, तब हम प्रॉफिट तक ही अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो भी किस रेशियो में? वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब आपके मन में आएगा कि सर अगर ये चार्ज रहता तो, अगर ये चार्ज रहता तो, यानी क्वेश्चन में ये लिख देता कि प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे चार्ज मानिए, तो वहां पर बच्चों मैंने बताया था चाहे प्रॉफिट होता चाहे लॉस होता आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना होता। उस सिचुएशन में 21,000 और 15,000 दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाते, पूरे के पूरे जाते, और यहाँ 21,000 और यहाँ 15,000, तो 30,000 था हो जाता 36,000, तो पार्टनर को लॉस हो जाता उतना लॉस वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर बांट लेते। जब ये आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज माना जाता तब। लेकिन अगर पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड करता कि साइलेंट है तब यहां पर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ही नहीं होता, और यहां पर जो 30,000 आते वो पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते। ये बातें क्लियर है बच्चों? तो ये था बच्चों आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एक इलस्ट्रेशन। क्लियर है?